Thank you, gentlemen. We have Mohammed Amir. We will start the question in English, then in Urdu, please. Oh, yeah, sorry. Amir bhai, you must be very excited after getting yourself into this ICC World event again. And taking USA, what could be the challenge for Pakistan team? What he said? Picking what? The challenge always, you know, when you come for the T20 World Cup, like ICC events, it's a big challenge. But we are ready to, you know, accept the challenge and to perform well here. Returning to the national side and playing for the country here in the World Cup, what is the big changes? Is there any big changes for you? For me, as a professional, you know, we always ready for any situation. Yes, I came back after 4 years, but the environment is very good. We have a great bunch of the players, and I'm really, really looking forward to perform here. This is Tasfik Polok from Bangladesh. USA captain was here earlier and he said that they are here to qualify for the Super 8 and they are able to beat Pakistan. So how you see his statement about this? About Baba? You know what, for us it's like about ourselves. We are here to win and we want to win every single game. And this is, you know, this is World Cup, so there is no margin of error. So we have to perform every single game. Assalamualaikum Amir, kitna look forward kar rahe hain. Of course, tayariyan us tarike se nahi mil saki. Hame ye socha tha ki England mein 4 matches mein tayari ho payegi, but wahan bhi 2 matches wash out hue. Yahan bhi aapke practice facilities thodi si divided hai, fir barish bhi hoti rahi. Tayariyon ne जो मौका नहीं मिल सका उससे कितना मुतासिर हुई है, और सेकेंडली कितना अब लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं? अब तो सारी चीज़ें पास होके वर्ल्ड कप आ गए हैं, आप आईसीसी इवेंट्स जीत भी चुके हैं पहले, तो ये तजुर्बा भी आपके पास है, तो किस तरह टीम का मूड है और आगे के क्या? देखिए, पहले तो ये कि वेदर हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन यस, जैसे मैंने आपको बोला कि वी आर प्रोफेशनल और हमें हर सिचुएशन में जो है वो अपने आप को डील करना होता है, और हम कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं. ऑनेस्टली न्यूजीलैंड सीरीज़ खेले, फिर आयरलैंड सीरीज़ खेले, इंग्लैंड में भी 2 मैचेस खेले, लेकिन उसमें प्रैक्टिस हमारी प्रॉपर होती रही है, नेट प्रैक्टिस भी होती रही है. यहाँ भी 2-3 दिन अच्छी प्रैक्टिस हुई है, और लड़के आई थिंक नाउ इट्स ऑल अबाउट मेंटल गेम, और मेंटली वी आर रेडी कि इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करें. अक्सर ये चीज़ बड़ी अहम होती है कि जो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा होता उसको हौसला देना होता है, तो किस तरह आप बीइंग अ सीनियर प्लेयर और खासतौर पर आज़म को आप किस तरह मोटिवेट कर रहे हैं? शादाब तो चले सीनियर प्लेयर है, वो अपने आप को संभाल सकते हैं, बट आज़म को आप किस तरह मोटिवेट कर रहे हैं एक सीनियर कोलीग होने के नाते? देखिए, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जिस प्लेयर ने परफॉर्म किया होता है, प्रूव किया होता है, उसकी एबिलिटी पे कभी डाउट नहीं करते. यस, बैड पैच आता है क्रिकेट में, और ये हर क्रिकेटर के साथ होता है. जितने आप पास में लेजेंड्स भी देखें, उनके साथ भी ऐसा हुआ कि आप कई दफ़ा आपसे परफॉर्म नहीं होता, और शादाब और आज़म की आई थिंक एबिलिटी क्वालिटीज़ पे किसी को डाउट नहीं. ऑल ओवर द वर्ल्ड वो खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं, और वो एक वन वे आई थिंक वन गेम अवे है कि एक अच्छा उनका गेम क्या, और वो जिस तरह के प्लेयर हैं वो वन साइडेड ऑन द डे आपको मैच जितवा सकते हैं. आमिर, अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर अदनान फ्रॉम N6 TV. अच्छा आमिर, आपने जो आखिरी वर्ल्ड कप खेला उसको काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम के बाद आपकी और एमाद की, खासकर आपकी वापसी हो रही है वर्ल्ड कप में माशाल्लाह. तो अब बॉलिंग पार्टनर और रिदम में आना कि कौन मेरा बॉलिंग पार्टनर होगा, मैं ओपन कर, उस वक्त आप ओपन करते थे, लेकिन अब प्रायोरिटीज़ टीम की, अब ये कप्तान बताएंगे कि शाहीन करेंगे या कौन, और आप सेकेंड स्पेल में आएंगे नसीम के साथ, तो आपकी क्या प्रायोरिटीज़ है और इससे कितना फ़र्क पड़ता है आपकी एबिलिटी पर? और विकेट टेकिंग बॉलर हैं आप, तो विकेट टेकिंग एबिलिटीज भी, और क्या स्ट्रेटजी है टीम की? देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जब आप सीनियर प्लेयर होते हैं और टीम जो आपको रोल देती है आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ता है, और मुझे लगता है कि एज अ टीम हमें सारे प्लान्स क्लियर हैं कि किसने किसका क्या रोल है और किसका क्या एबिलिटी है, और वो क्या कहाँ पर क्या कर सकता है वो यहाँ पर तो नहीं बता सकता, बट येस वी आर क्लियर विद द प्लान्स, और इंशाल्लाह वो आपको ग्राउंड में भी नज़र आएंगे. लास्ट क्वेश्चन. हेलो आमिर, मेरा नाम मोहम्मद आतिफ है, मैं वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से हूँ. अमेरिका में क्रिकेट खेलने का पहला मौका मिल रहा है आपको एक इंटरनेशनल इवेंट का, पहले तो ये बताइएगा क्या फीलिंग्स हैं अमेरिका में क्रिकेट खेलने के लिए, और अमेरिका में क्रिकेट का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं?
Also, you have a vast experience of playing league cricket, you know, across the world. तो आपको कैसा लग रहा है कि ये एक्सपीरियंस जो बाकी दुनिया में लीग्स खेलने का है वो आपको यहाँ कितनी हेल्प करेगा? देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक आईसीसी का ये बहुत अच्छा स्टेप है कि क्रिकेट को यहाँ पे एक बड़े इवेंट के साथ प्रमोट कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा है अमेरिका में. और अगर आप देखें, लास्ट ईयर मेजर लीग भी हुई थी, उसको बहुत सक्सेस मिली थी. तो आई थिंक एक तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, और दूसरा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि यहाँ पर खेलूँ और परफॉर्म भी करूँ. और मेरे लिए, जैसे आपने बोला है कि एज अ क्रिकेटर, वो चाहे लीग क्रिकेट हो चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो, आपने एंड ऑफ द डे यू हैव टू परफॉर्म. और मैं भी यहाँ पे अगर एज अ सीनियर बॉलर, मेरी ट्राई यही है कि मैं लीड फ्रॉम द फ्रंट करूँ. और लेकिन जैसे आप नसीम, हारिस या शहीन को देखे, तो दे आर परफॉर्मिंग वेल फ्रॉम लास्ट फोर ईयर्स. सो मेरा भी एक एक्स्ट्रा मेरे पे जिम्मेदारी है कि मैं उनमें एक अच्छा चिप इन करूँ, कि मैं परफॉर्म करूँ और टीम के लिए अच्छा हूँ.